बीजेपी ने कल्पना सोरेन के बीजेपी पर दिए गए इस बयान की आलोचना की है। कल्पना पर तंज कसते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि कल्पना कंफ्यूज है कि वो राजमहल सीट से लोकसभा चुनाव लड़े या फिर गांडे उपचुनाव की सीट जीतकर मुख्यमंत्री बने। इससे झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। सांसद ने चंपाई सोरेन सरकार के एक्सीडेंटल सीएम बताया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। भी नौसिखिया हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो राजमहल लोकसभा लड़े कि अब गांडे में जो है उनको दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो चंपई सोरेन जी के लिए तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा ही हो गया। जो मैं पहले कह रहा था कि चंपई जी जो है एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, अब मुझे लगता है कि एक्सीडेंट हो ही जाएगा उनका। गांडे में उपचुनाव होगा, कल्पना भाभी सीधा जो है मैदान में कूद जाएंगी कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो कल्पना जी का तो बात छोड़िए, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने जब अमेठी और रायबरेली छोड़ दिया, एनआरट से लड़ेंगे राहुल गांधी जी, तो गोड्डा तो स्वाभाविक है छोड़ना है। जब अपना पुश्तैनी सीट छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि गोड्डा में कोई कैंडिडेट है नहीं उनके पास, और जो भी कैंडिडेट होगा उसकी जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, ये बड़ा सवाल है। कल्पना लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।